सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। प्लस फाइव सेकेंड्स। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग P3 ट्रैकिंग। मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड। प्लस 15 सेकेंड्स। PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। द रॉकेट फ्लाइंग फोर्थ following nominal trajectory and developing nominal thrust, the bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लेड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है, स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। प्लस 2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल निरोधक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing.